दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्यालय का उद्घाटन यमुना विहार दिल्ली में किया गया। इस मौके पर सभी विधानसभाओं से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफ़ी हुजूम उमड़ा और यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर हमने उनसे बातचीत की, आइए सुनवाते हैं आपको बातचीत। जैन साहब, जिस तरह से आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिस तरह की भीड़ है, इसे देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का वर्करों में उत्साह है और जो शीला जी ने 15 साल सरकार रहते हुए दिल्ली की सेवा की है, उस सेवा को लोग भूले नहीं हैं। लोग ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो केंद्र में सत्ता है, नरेंद्र मोदी की जुमलों की सरकार है, उसी का भैया भतीजा अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो केवल हमेशा आपस में नूरा कुश्ती करते रहते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार काम नहीं करते। और जिस तरह से जब केंद्र सरकार के खिलाफ जो उनके क्राइटेरिया में आइटम नहीं आते, उन आइटमों को लेकर के वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उस तरह से हमारे शीला जी जब मुख्यमंत्री दिल्ली की रही तो एंटी गवर्नमेंट थी सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लेकिन उन्होंने कभी धरना देकर कोई काम नहीं करवाया। उन्होंने बड़ी शांति से बिल्कुल जो डेकोरम होता है, जो सिस्टम होता है, जो कानूनी तौर पे होता है, उस तरह से काम कराने का काम किया। आज लोग समझ रहे हैं कि शीला दीक्षित तो विकास निश्चित, आज विकास करने की कोई मूर्ति है तो शीला दीक्षित जी हैं। जो कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है? मेरे विचार से हजारों की तादाद में एक जैसी, जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया था उसी दिन से ऊर्जा का संचार हुआ और पूरी 9 सीट जो पार्लियामेंट्री सीट है वो समझ लीजिए वो 100% इसका मैसेज पूरी दिल्ली में जाएगा और हम सातों विधायक सातों जो है पार्लियामेंट्री सीट जीत रहे हैं। आपने देखा होगा ऑफिस और भी खुले हैं, लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा है आज इसका उद्घाटन हुआ, ये एक साबित करता है कि ये श्रीमती शीला दीक्षित ये विकास की देवी है और इनके विकास पर इनको वोट मिलेगी। जो 15 साल इन्होंने दिल्ली के सदन को सुधारा उस पर इनको वोट मिलेगी और इनकी जो छवि है उस पर इनको वोट मिलेगी। जो इतनी सरल और सिंपल 24 घंटे किसी से भी मिलने को तैयार रहती है, उसमें इनकी छवि पर, इनके सरलता पर, इनके डायनेमिज में, इनके सिस्टम पर। जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो ये आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बताइए? कार्यालय का उद्घाटन का पैगाम इसी बात से मिलता है कि आप देख लीजिए कि इस चौक से लेकर अगले चौक तक सारा ट्रैफिक जैम है, कितना उत्साह है, कितना रोष है। औरतें जितनी परेशान थी, जितनी इनसिक्योर थी, आज हम सिक्योर फील कर रहे हैं शीला दीक्षित के यहाँ जाने से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना उनके लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, हम सब औरतों के लिए जरूरी है। उनका सड़क से सड़क तक पहुँचने के लिए हम सभी साथ हैं। क्या लग रहा है इस सीट पर आप शीला जी की कैसी स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और शीला जी जिताएंगे और जीतेंगे और राहुल जी को हम पीएम बनाकर रहेंगे। अच्छा, आपको जो आप महिला कांग्रेस है, महिलाओं में खासतौर से आप जाती होंगी, तो महिलाओं में कांग्रेस के प्रति किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत क्रांति हुई भी है चारों तरफ, बहुत जोश है कांग्रेस की। और कोई पैगाम देना चाहेंगे आप यहाँ के मतदाता? जी, कांग्रेस फुल बहुमत के साथ जीतेगी और राहुल जी पीएम बनेंगे। आपने देखा, ये सिर्फ एक कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ, ये उस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जहाँ पर शीला दीक्षित जी को अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था। पब्लिक पूरी रोड पे उमड़ी हुई थी और ये कोई किराए से लाए हुए लोग नहीं हैं, ये यहाँ के सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, नॉर्मल पब्लिक है, वोटर है। और ये वोटर दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये बताना चाहता है कि शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल दिल्ली को संवारा है, सजाया है, अब दिल्ली वासियों को शीला दीक्षित जी को वो जो प्यार शीला जी ने दिल्ली को दिया था उसको पूरा करने का, वापस प्यार देने का मौका आया है। और मैं जी, आज जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है?
आप देख रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतनी लोगों में खुशी है, आप एक तरह से खुशी देख रहे हैं, इतने लोगों में उत्साह है, चांद कभी पहले चुनाव में ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो आपको लगता है कि शीला दीक्षित जीत जाएंगी यहाँ से? लोग शीला जी से इतना प्यार करते हैं, 15 साल के उनके किए हुए कामों को देखते हुए आज दिल्ली की जनता, नॉर्थ ईस्ट की जो जनता है वो अपने घरों से इस तरह से निकल के आई है, सैलाब की तरह से। शीला जी के लिए हर तबका, हर जात धर्म के लोग जो हैं तन मन धन से काम करेंगे और शीला जी को पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे। थैंक यू। भीड़ को देखते हुए शीला जी की जो पिछाज भीड़ आई है, जब से उन्होंने नामांकन भरा है, दलीप पांडे हो चाहे मनोज तिवारी हो, हम दिल्ली से छात्र सीधे कांग्रेस की जीत रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस से जो शीला जी यहाँ खड़ी हुई है 2 लाख वोटों से जीत कर आ रही है। हम जी जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन दिल्ली की रिकॉर्ड भीड़ थी मैडम के पीछे, सिग्नेचर ब्रिज से जो कारवा चला था मीलों तक ट्रैफिक जाम हुआ, पूरी दिल्ली में मैसेज गया है और आपने भी शायद स्टोरी की होगी। हम और आज उससे भी ज़्यादा भीड़ है। ये शीला जी का ऐलान होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जुनून सवार हुआ है शीला जी को जिताने का, क्योंकि दिल्ली का पर्याय है वो विकास का और ये विकास का पर्याय बन चुकी शीला दीक्षित जी, इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का विकास जबरदस्त होगा, जिसने पूरी दिल्ली की तस्वीर बदली हो, ये एक एरिया बदलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके दोनों के होश हाथ उड़ गए हैं और हमारी शीला दीक्षित जी भारी मतों से विजयी हो रही है और हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं।